राम राम भाईये। अरे मामा जी आप यहाँ? आजकल मैं यही काम करता हूँ। भांजे भगवान झूठ न बुलवाए, प्रताप बाबू का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। बुरी बात मुंह से मत निकालिए, भाई साहब जिंदा है। जिंदा है? कहाँ है? ये नहीं मालूम, लेकिन जिंदा जरूर है। रेलवे ट्रैक पर उनके कुत्ते जेम्स बॉन्ड की लाश मिली, भाई साहब की नहीं। ऐसा लगता है कुत्ते ने अपनी जान पे खेलकर भैंस को बचा लिया। अब तो सिंह का एक ही मकसद है मामा जी, अपने भाई भाभी और उनके बच्चों की तलाश करना। भगवान झूठ न बुलवाए भांजे, बहू और बच्चों को मैंने भी बहुत तलाश किया। 6 महीने तक आसपास के 36 गांव के चक्कर लगाए, मगर उनका कहीं पता नहीं चला। अपनी जेब से पैसा खर्च करके। अरे भांजे क्या हुआ? खिसा साहब भांजे 7 दिन की छुट्टी लेकर गांव जा रहा था भांजे, पूरे महीने भर की तनख्वाह जेब में थी, पूरी की पूरी साफ हो गई। अब तो 10-20 भी बाकी नहीं रहे। उसकी चिंता मत करो मामा जी, 50 रुपया चलेगा। चलेगा क्या भांजे, दौड़ेगा। साहब ये आदमी पक्का 420 है। क्या? सोने की जगह पीतल के जेवर रखकर लोगों को लूटता रहता है। अरे अंदर सारी सारी का बच्चा। अब तेरी असलियत मेरे सामने आ गई। सेठ नटवर ने मुझे सब कुछ बता दिया था। तूने भाई साहब को पीतल का नकली जबर दिया था। मेरी बर्बादी का कारण तू है। मुझे मत मार। हट। ए पॉकेट मार के बांटते हैं ना इधर पैसे। नहीं नहीं ये पैसे सेठ जी के, मैंने दूंगा।
आज फिर मंदिर गई थी जी हाँ। इसका मतलब है आज फिर उपास। देखो गीता, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें खून की कमी है, व्रत और उपास बिल्कुल बंद। आज व्रत और उपास नहीं रखा मैंने, आज तो आपका जन्मदिन है। जन्मदिन? कमाल, मेरा जन्मदिन मुझे खुद याद नहीं रहता। याद रहता है तो एक हमारी धर्म पत्नी श्रीमती गीता देवी को और दूसरे हमारे छोटे भाई प्रेम। अरे कितनी लंबी उम्र है हमारे छोटे भाई की। गाँव में सब कैसे? सब ठीक है। और यहाँ? यहाँ बेटी कैसे? ठीक है। भाभी पैर क्यों डाले? अरे भाभी के देवर, तूने पिछली बार वादा किया था ना कि अब के जोड़े में आके पांव छुएगा, तो ये बात है। हाँ? अरे भैया देखो, मेरी शादी नहीं हुई इसमें मेरा क्या कसूर? वैसे तो मैंने भाभी से क्या रखा है, काली हो, गोरी हो, दुबली हो, मोटी हो, कोई भी चलेगी। आप किसी से भी मेरी शादी करवा दो, मुझे मंजूर है। ये पसंद है, पढ़े लिखे बीए पास हो, लड़की अपनी पसंद से मैं खुद चुनी होगी। फिर तो हो चुकी शादी। देखो बोर मत करो यार, सारा दिन पड़ा है, देवर भाभी बैठ के लड़कियां चुनते रहे ना। ये खीर है। सच मानो भाभी जी, तुम्हारे हाथ की खीर खाने को तरस जाता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, सालगिरह मुबारक हो। आप लोगों को कैसे पता चला कि आज मेरा जन्मदिन है? ओ, मामा जी आप? भगवान झूठ न बुलवाए भांजे, मैंने ही सबको बता दिया, लो मुंह मीठा कर लो। लेकिन आप घर क्यों नहीं आए मामा जी? क्या बताओ भांजे, घर ही में ठंड से 10 बजे, सोचा तुम घर नहीं मिलोगे, दफ्तर मिलोगे, इसलिए यहाँ चला। अरे बाकीलाल जी, तुम भी मुंह मीठा कर लो और सब दफ्तर वालों का भी मुंह मीठा करा दो। अब के बहुत दिनों के बाद चक्कर लगा है आपका मामा जी। हाँ भांजे, एक पंत दो काज तो तुमने सुने होंगे, मगर आज यहाँ आने से एक पंत तीन काज हो गए। वो कैसे? अरे भाई जी, तुम्हारी मामी ने कंगन की जोड़ी के लिए जान खा रखी थी, और दूसरे तुम्हारा जन्मदिन था, और तीसरे तुम्हारा उधार चुकाना था 100 रुपए। 100 रुपए की तो घर की बात थी मामा जी। मैं भांजे ना, लेन देन बाप बेटे का, एक बार लेकर वापस दे दो, दोबारा मांगने का मुंह रह जाता है। वैसे मैं व्यवहार का बड़ा पक्ष। क्या हुआ मामा जी? मामा जी, तुम्हारे प्रताप बाबू यहाँ के हेड कैशियर हैं और रोजाना लाखों का लेन देन भी करते हैं। अरे भैया, 100 रुपए तो पहले ही प्रताप बाबू के देने थे, अगर किसी ने उंगली पकड़ा दी तो क्या पोचा ही पकड़ लूं उसका। कोई बात नहीं मामा जी, मेरी जेब में 50 रुपए पड़े हैं, ये लीजिए, 50 में काम चल जाएगा ना। चलेगा नहीं भांजे, दौड़ेगा। तुम्हारी मामी के सामने रसगुल्लों का डिब्बा रख दूंगा तो वो कंगन को भूल जाएगी। हेलो अच्छा रामला, जय बाद। ये आपके सगे मामा हैं? नहीं, ये जगत मामा। प्रताप बाबू,
अरे आज आपका जन्मदिन है, आपको खुशियाँ मनानी चाहिए और हम सब लोगों को पार्टी देनी चाहिए। अरे छोड़िए, आपको छुट्टी मनानी चाहिए। आज आप ऑफिस में क्यों आए? जी काफी काम है और जाइए अपनी फैमिली में जन्मदिन मनाइए और मेरी गाड़ी भी ले जाइए। थैंक यू वेरी मच सर। मुनीम जी आप चाबी रख लीजिए। बंकेलाल को चाबी क्यों दे रहे हैं? साथ ले जाइए। और एक मोती से गुथे न कोई हार, हमें बनाया ईश्वर ने एक दूजे का सिंगार। के दो से शुरू हुआ, शुरू हुआ, शुरू हुआ संसार। दो से शुरू हुआ, शुरू हुआ, शुरू हुआ संसार। एक फूल और एक मोती से गुथे न कोई हार, हमें बनाया ईश्वर ने एक दूजे का सिंगार। के दो से शुरू हुआ, शुरू हुआ, शुरू हुआ संसार। दो से शुरू हुआ, शुरू हुआ, शुरू हुआ संसार। सृष्टि के आरंभ में पुरुष था अकेला, नारी जो आई तो जुड़ गया मेला। सृष्टि के आरंभ में पुरुष था अकेला, नारी जो आई तो जुड़ गया मेला। दोनों ने कर कोई सुने तन की दीवार, हमें बनाया ईश्वर ने एक दूजे का सिंगार। के दो से शुरू हुआ, शुरू हुआ, शुरू हुआ संसार। दो से शुरू हुआ, शुरू हुआ, शुरू हुआ संसार। जीवन का बोझ दोनों पग है संभाले, जीवन का बोझ दोनों पग है संभाले। चल जाए अपनी को बाहें चार, हमें बनाया ईश्वर ने एक दूजे का सिंगार। के दो से शुरू हुआ, शुरू हुआ, शुरू हुआ संसार। दो से शुरू हुआ, शुरू हुआ, शुरू हुआ संसार। सुख और दुख की है जोड़ी, दिन भी है थोड़ी वैसे ही सुख और दुख की है जोड़ी। सुख
और दुख दोनों का है इस जीवन पर अधिकार। हमें बनाया ईश्वर ने एक दूजे का श्रृंगार के दो से शुरू हुआ शुरू हुआ शुरू हुआ संसार दो से शुरू हुआ संसार। फूल और एक मोती से गुथे न कोई हार। हमें बनाया ईश्वर ने एक दूजे का श्रृंगार के दो से शुरू हुआ शुरू हुआ शुरू हुआ संसार। ओह मामा, खिसा बच्चा तो क्या हो गया? प्रताप से रुपया नहीं लेते। वैसे है तो मेरा सौतेला बेटा, लेकिन पीठ के जाए प्रेम की तरह कंजूस तो नहीं। बहन झूठ में बुलवाए सुमित्रा बहन, जेब तो उस वक्त कटी पैसे उतरते वक्त, वरना दस बीस की किसको परवा। प्रताप से 100 मांगो तो झट निकाल के दे देता है। सच मामा, बहुत पैसे है बड़े भैया के पास। अरे बेटी, लाखों रुपए में खेलता है, एक बार जाके जेब तो सही। माँ चलने सूरज चले बड़े भैया के पास, देखेंगे। देखो मामा, जल्दी से लौटा देना, तुम तो जानते हो प्रेम फूटी कौड़ी तक हाथ में नहीं देता। लो, भगवान झूठ न बुलवाए, जब तक ये खटखट चालू है तुझे पैसों की क्या? नजर लगाता है। अरे वाह, 2 ही रुपए, 3 रुपए निकालो। पिछले दरवाजे का माल और 3 रुपए? देखो चाचा, दरवाजा अगला या पिछला है तो मेरे घर का, निकालिए और 1 रुपया निकालिए। चोरी? अरे माँ, अरे अरे रो क्यों रही है? अरे बताना क्या हुआ? ये क्या बताएगी? 3 के भाव के चावल चोरी से 2 के भाव में बेच रही थी, पकड़ी गई। अरे भाषा में भूल हो गई होगी, इसने चोरी कहा की? मैंने ही इसे कहा। अच्छा, इसका मतलब है बेटी की चोरी में माँ भी शामिल है? हाँ हाँ, कैसा जमाना आ गया, पेट का जाया माँ पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है। देखो माँ, ये नाटक छोड़ो और सबसे पहले प्रिया को उसके ससुराल भेज दो। रिंपेन जी, रिंपेन जी, ये बताइए आप कर क्या रहे थे? पहले मैं चक्की से आटा पिसा के लाया, उसके बाद गाय को चारा डाला, उसके बाद दूध निकाला, तो जंगल से घास काट के लाया, फिर आपने आवाज दी, मैं आ गया। ये बताइए आप इस घर में कौन है? मैं आपका भैनोई हूँ, प्रिया का पति, इस घर का दामाद। और आप यहाँ आए किस लिए थे? मैं प्रिया को घर ले जाने के लिए आया था, क्योंकि माँ जी मेरे को मारती है। अभी लेके क्यों नहीं जाते? माँ जी कह रही है कि मेरी माँ उसे काम करवाती है। सुनिए माँ, प्रिया के साथ उसे काम लेके वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, और तुम अपने दामाद से काम करवा के वो तुम्हें अच्छा लगता है। सुना भीमसेन जी, कल दिन निकलने से पहले आप प्रिया को साथ लेकर चलते बनिए, नहीं तो मैं आप दोनों की गठरी बांध कर आपकी माँ के पास फेंकाऊंगा। चलिए जल्दी चलो ना, अब जल्दी से सामान रख दो, अगर प्रेम आ गया तो हम सबके सब यही रह जाएंगे। आप भी चल रहे हमारे घर? नहीं नहीं नहीं, हम प्रताप के यहाँ जाएंगे। अच्छा, नाराज हो रहा है? जेम्स बॉन्ड तेरे लिए पट्टा लाया हूँ, जरा देखता सही। और आप वहाँ खड़ी क्या कर रही हैं? जरा इधर तो आइए, देखिए आपके लिए क्या लाया हूँ। तो मतलब ये हुआ कि आप अपना सूट इस बार भी टाल गए? गीता, सूट पहना कर मुझे कार्टून बनाना चाहती हो? अरे आगे इतना मोटा हो गया। अरे अपने लिए देखो, शर्ट पैंट लाया। मैं ये साड़ी तभी पहनूंगी जब आपका सूट आएगा। इतना जुल्म मत करो, बड़े अरमानों से लाई ये साड़ी, दिल टूट जाएगा मेरा। गीता, एक शर्त है।
अगले महीने किसी की कोई चीज नहीं आएगी, बस आपका सूट आएगा। मंजूर है, आप जरा हमारी पसंद की दाद तो दीजिए। बड़े दिनों से ऐसी साड़ी पर मेरा दिल था। अरे आपके दिल की बात हम आंखों से भाप जाते हैं। अब जरा जल्दी से साड़ी पहनिए, घूमने जाएंगे, खाना भी होटल में खाएंगे, बच्चे भी खुश और बच्चों की माँ भी खुश। अरे माँ प्रिया, आपने बताया नहीं कि आप आ रहे हैं? अरे बेटा, अपने घर आने के लिए क्या खबर देनी होती है? खबर देते भी कैसे, तैयारी थी प्रिया के ससुराल जाने की और आ गए हैं भीमसेन जी के ससुराल नंबर 2 में। भीमसेन जी, इतना बोझ क्यों उठा रखा है आपने? अरे बेटा, मैं इनको कितना मना किया, मानते नहीं, काम करने का तो शौक है। अच्छा। आहा बाबू, हम यहाँ रहने नहीं आए, प्रिया का इलाज करने आए। बेचारे के पैरों में कितना दर्द होता है, ठीक ही नहीं होता। कैसी बातें कर रही है माँ जी, आप ही का तो घर है, प्रिया का इलाज भी हो जाएगा और मुझे भी आपकी सेवा करने का मौका मिल जाएगा। अरे तुम वहाँ चुपचाप क्या खड़े हो, इधर आओ, दादी माँ के पाँव पकड़ो। जीते रहो जीते रहो। अरे अब छोड़ भी दो। दादी छोड़ दो। हाँ हाँ छोड़ दो, छोड़ दो। इतने अच्छे बच्चे हैं। नहीं रू भाभी, नहीं डैडी सारी मम्मी के लिए लाए हैं, लाए हैं। तो क्या हुआ भैया, भाभी को और ला देंगे। भाभी मैं ये ले लूं साड़ी। अरे तुम्हारा क्यों मुद्रा, लो ये शर्ट लगता है, तुम दामाद हो ही थे। भाभी का हक है। गाड़ी चलाना नहीं आता, और इधर किधर जा रहे, इधर तो सब खेती खेत था। द बगर थिंग्स वी आर बॉयज, इट्स फाइन। क्या कहा सब? कुछ नहीं, उन्होंने कहा अच्छा हुआ तुमने बता दिया, हमें किशनपुर जाना है। ओ किशनपुर। हाँ। आप ऐसा कीजिए, उधर दाएं की सड़क पकड़ कर ना किसी बराबर चले जाइए साहब। थैंक यू वेरी मच। आप कोई गाने बजाने वाले हैं क्या? क्यों? क्योंकि वो किशनपुर में ना बहुत सारे गाने बजाने वाले अपना गला फाड़ रहे हैं। हाँ हाँ, हम लोग वही जा रहे हैं। नमस्ते जी, बाय इडियट। नमस्ते। नमस्ते। अरे यार कितनी बार कहा तुझसे, जो काम नहीं आता कह देना चाहिए कि नहीं आता। हाँ कह देना चाहिए। देखा कैसे करते हैं। हाँ। अब ये देखिए, जो काम नहीं आता उसे कह देना चाहिए कि नहीं आता। चल कहीं पास में पानी होगा, चल के नहा लेते। साहब रो साहब, अरे इसकी तो हवा निकल गई। साहिबान आप दिल थम के बैठिए, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अब लोक गीतों के सरताज श्री प्रेम कुमार जी अपने साथियों के साथ आप सब साहिबान का दिल लुभाने के लिए पधार रहे हैं। अरे ये तो वो इडियट है। हरी हरी ओढ़े चुनरी,
किसी तक न आता रे नाता रे कैसा अद्भुत नाता रे मधुर मिलन के ओ सपने संजोए रहते हैं दोनों खोए खोए ओ निहारो निहारो लाल गुलाबी फूलों से भरी बेहरी भरी उड़े ऐसे भी मजाक हो जाते जिन्हें इंसान कभी नहीं भुला सकता। सिर्फ मजाक क्यों? हम तो उस इंसान को भी कभी नहीं भुला सकते जो कवि है, गवैया है, पढ़ा लिखा है और उसके साथ साथ में इडियट। इडियट है नहीं, इडियट होने का नाटक करके दूसरों को इडियट बनाता है। रुको रुको, देख देख अपनी गाड़ी। अरे हाँ हाँ, लेकिन यहाँ कैसे आ गई पता नहीं। आप क्या समझते हैं हमारे गांव में मैकेनिक नहीं होते? हम कुछ नहीं समझते हुजूर, आप हर तरह से जीते, हम हर तरह से हारे। चलिए अच्छा, तो अब आप ये बताइए कि आप सूरत कब आ रहे हैं? सूरत तो मैं अक्सर जाता रहता हूँ, वहाँ मेरे बड़े भैया रहते हैं। ये लीजिए मेरा कार्ड। मिस रूपा कुमारी, डॉटर ऑफ हरिश्चंद्र। आप हरिश्चंद्र जी की बेटी हैं? जी हाँ। उनके तो बहुत बड़े बड़े पेपर्स निकलते हैं। आप जानते हो? जी नहीं, नाम सुना है। बहुत बड़े आदमी है ना। तो क्या, शादी तुम्हारी बेटी के पैसे मैं दूं? क्यों, जाओ नहीं है पैसे? अरे सुनो, मैंने कहा नहीं है पैसे, तुम चल दिए। कितने पैसे चाहिए? यही कोई 500 रुपए हजूर। 500 बहुत ज्यादा है। चलो एक दो तीन। अरे सुनो,
300 से शादी हो जाएगी? कैसे हो जाएगी हजूर? तो फिर चिल्लाते क्यों नहीं, शोर मचाओ, रो के नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। पागल कहीं का, 1, 2, 3, 4, 5 ये लो 500 और लो, और जरूरत पड़े तो दफ्तर से ले ले। बहुत बहुत शुक्रिया हजूर, मालिक आपको खुश रखे। डैडी ये क्या आदत है आपकी, पहले इनकार कर देना और बाद में दे देना। तू नहीं समझती, ना उम्मीद करके उम्मीद से ज्यादा दे देने से खुशी हजार गुना बढ़ जाती है। लेकिन डैडी उस इनकार और इकरार के बीच जो चंद सेकंड होते हैं, उनमें उस आदमी पर क्या गुजरती होगी कभी सोचा है आपने? हर तरह से नाउम्मीद होकर वो आदमी अपनी जान दे भी सकता है और दूसरे की जान ले भी सकता है। प्रेम कुमार जी, जो लोग गीत गाकर हजारों का दिल मोह लेते हैं, कुछ छोड़ो इसको, पढ़ो इसको, बदनामी जमाना प्राणनाथ द्रोही जिसने धोखे से 6 लड़कियों से शादी की, 6 लड़की लोग दगा देकर रघु चक्कर हो गया। पुलिस की तलाश है, खबर देगा 1,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। ये 1,000 रुपए हमार को मिल जावे तो हमार जीवन सफल हो जावे। मुरली वाला ये आदत जन जादी बनाया, हमको सेठ जी से मिलना है क्योंकि उसको गिरफ्तार करने का 1,000 रुपया। देखो भाई साहब, ये फोटो गलत छप गया, इसलिए मुझे सेठ जी से मिलना है। हम सब जानता है तुम बदमाश लोग ऐसा ही बोलता। भैया मेरा नाम प्रेम कुमार है, ये फोटो इस तरफ होना चाहिए, इसलिए मुझे मिलना है। तुम बदमाश हो। अरे भैया मैंने 6 शादी मनाया, 4 करोड़ का धोखा दिया। तो मेरी भी मैं पता कर लिया। आप आज का पेपर देखिए, पता लग जाएगा। यस ओके जी ओके। ये तस्वीर देखी आपने? हाँ देखी। ये मेरी तस्वीर है। ओ तो वो तुम हो जिसने 6 घर बर्बाद कर दिए, 6 मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। गलत बात कीजिए। बोलो मत। आप तमीज से बात कीजिए। ये रहा आज आप। लेकिन आप क्या करते हैं? कोई तमीज नहीं है। आप में कोई तमीज नहीं है। क्यों इडियट? क्यों इडियट? जड़ी जड़ी प्रेम कुमार है। तो क्या हुआ? किसने 6 लड़कियों की जिंदगी? आप क्या बात है? हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया। प्रेम साहब का ब्लॉक बदली हो गया। आई एम सॉरी सर। अरे इतनी बड़ी गलती, यू इडियट, यू आर डिसमिस्ड। गेट आउट। गेट प्लीज। आई एम सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मिस्टर प्रेम कुमार। कल के पेपर में छप जाएगा भूल सुधार आपकी फोटो के साथ। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। अरे हाँ तशरीफ रखिए प्लीज प्लीज। जी शुक्रिया, मैं जरा जल्दी में हूँ। प्लीज बैठिए ना। देखिए रूपा मेरी इकलौती बेटी है, ये एक म्यूजिकल डांसिंग पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है जो कि इंडिया के बड़े बड़े शहरों में अपना प्रोग्राम देगी। फिर क्या, ये चाहती है कि आप इसकी पार्टी में शामिल हो। माफ कीजिएगा, अमीरों का शुगल है। मगर आपको इसका मुआवजा मिलेगा। ये गाना मेरा शौक है, पेशा नहीं। अजीब आदमी हो। अरे भाई जंगल में मोर नाचा किसने देखा? गाँव छोड़ो, दुनिया के सामने आओ और अपनी कला का प्रचार करो। I'm sorry. माँ यहाँ क्यों? तुम्हें मालूम नहीं था क्या प्रिया के पाँव का इलाज कराना था? अरे कोई खास बात नहीं, डॉक्टर ने कहा है मामूली सी मोच आ गई। लेकिन मुझे तो कहकर गई थी कि भीमसेन की माँ का स्वर्गवास हो गया, हम लोग वहाँ जा रहे हैं। अरे हमारे जाने से क्या वो जिंदा हो जाती? मर गई तो मर गई। क्या हुआ भीमसेन? भूत? कौन है भूत? कौन है? मैं? अरे भूत है तेरी माँ। माँ तुम तो कह रही थी कि... अरे तो क्या ये मरेगी नहीं, अमर पट्टा लिख कर लाई है क्या? अरे पट्टा लिखवा के मैं क्यों लाती? पट्टा लिखवा के तो तू लाई है। तू क्या कर रहा है जानू के गुलाम? यहाँ छुपा क्या कर रहा है? माँ के बच्चे, तू तो ससुराल आया था, क्यों आया था? मैं प्रिया को घर ले जाने आया लेकिन वो आती नहीं है। अरे आती कैसे नहीं, चुटिया पकड़ के घसीट लेता। आखिर जरूर है ना तेरी माँ? हाथ लगा कर तू दे और खानदान की छुट्टियां पकड़ के खा।
माँ होश में रहो। माँ ये प्रिया की सास है। ये सास है तो क्या मैं इसे सर पे बिठा लूं? देखा प्रताप बेटा, ये पेट का जाया इस छुड़ैल की तरफ नारी कर रहा है। माँ प्रेम ठीक ही तो कह रहा है। प्रिया को आखिर उसी घर में तो जाना है। माँ देख लिया, रहने दो इसके इसकी माँ के घर। तू चल यहाँ से। चल लेकिन चल मैं चल 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 माँ चलो अपना सामान बांध दो। तुम लोग गांव में ठीक हो और यहाँ रहोगे तो भैया भाभी को तकलीफ होगी। सुन लिया बेटा, ये पेट का जाया बोल रहा है, तुम्हें समझाओ इसे। प्रेम कैसी बात कर रहे हो यार, बड़ों के रहने से तकलीफ होती है क्या? भैया आप नहीं समझते, पेट का जाया हूँ ना, पेट की बात अच्छी तरह समझता हूँ। क्या हुआ? अरे अरे कहाँ जा रहा है? अरे कैसे हो, जल्दी रोको जल्दी। अरे बेटा भीम क्या? हाय 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 अरे कमाल है, आप तो मुझे इस तरह देख रहे हैं जैसे जिंदगी में पहली बार देखा हो। जी आप मेरा परिचय कराएंगे कि मैं खुद? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है भाभी, यह मिस रूपा जिस पेपर में मेरी गलत फोटो छपी थी ना, उस पेपर के मालिक श्री हरिश्चंद्र जी की बेटी, और आप मेरी भाभी, मेरे बड़े भाई। नमस्ते। पेपर में गलत फोटो छपा था तो मैंने सोचा आप लोगों से माफी मांगा हूँ। वैसे इनका फोटो मैंने खींचा था। आपने? हाँ मैंने गांव में इनका गाना भी सुना था, बहुत अच्छा गाते हैं, मुझे ये अपने घर भी ले गए थे। अच्छा लगता है आपके अगले जन्मदिन पर ये भी आपके पैर छूए। क्या आपने? कुछ नहीं कुछ नहीं, आप बातें कीजिए मैं और चाय ले आती हूँ। सुनिए ये बात तो मुझे आपसे कही है। मुझसे? तो फिर आइए मेरे साथ। चलिए। प्रेम लड़की ज्यादा ही मॉडर्न है यार, अपनी बात खुद करने चली आई। सुनिए जरा इधर आइए। बुलावा आ गया, बोलो हाँ कह दूं या ना। देखो भैया सुनो प्रेम, तुम्हें रूपा के साथ इनकी म्यूजिकल पार्टी के साथ जाना होगा। जी लेकिन भाभी जी। लेकिन लेकिन कुछ नहीं। हाँ बोलो यार। अच्छा भैया जब आप बोलते हैं तो प्रॉमिस। प्रॉमिस। ए निकाल, तुम निकालो, तुम भी निकालो। क्या समझता है अपने आप को, हमारी फैक्ट्री में काम करके हमारे वर्करों से दादागिरी करता है, चाकू छुरी दिखा के उनसे हफ्ता लेता है। हफ्ता से नहीं लेता सेठ, जब से फैक्ट्री खुली है तब से लेता है, और जब तक ये फैक्ट्री खुली रहेगी तब तक लेता रहेगा। क्या बकता है कमीने बदमाश। गाली मत दे सेठ, विक्रम अकेला नहीं है, पूरा गैंग है मेरे साथ। अरे गैंग के बच्चे निकल जाओ यहाँ से, गेट आउट गेट आउट। विक्रम से दुश्मनी मह पड़ेगी सेठ। ओफो, मामा जी अगर 100-200 रुपए की बात होती तो मैं कुछ कर भी देता, मगर 2500 में कहाँ से लाऊं? लेकिन प्रताप बाबू देना न चाहे तो दूसरी बात है, इनके 3000 रुपए सेठ जी के पास डिपॉजिट में है। अरे भांजे मैं तेरे पांव पड़ता हूँ, मामा की इज्जत और मामी की जान दोनों तेरे हाथ में है। भगवान झूठ न बुलवाए, अगर 2 महीनों में तेरी पाई पाई न चुकाई तो ये अपने सोने के जेवर इन्हें बेच डालना। इतने सारे जेवर दे रहे हैं, इसमें सोचने की क्या बात है प्रताप बाबू? अरे तेरे बच्चे जी। ठीक है मामा जी, मैं सेठ जी से अपने 3000 की बात करता हूँ। मैं इधर हूँ।
दूध दो ना। हाँ दूध दो ना। अरे देसी नहीं, बहू काम कर रही है, रसोई में दूध रखा है, जाकर दे दे, बेचारे सुबह से भूखे हैं। कम खुशी ज्यादा, और देखो इस दवा के साथ तुम्हारा दूध पीना बहुत जरूरी। अच्छा बाबा, देखो ये पैसे रख लो। पानी से पहले ये पैसे कैसे आए? ऑफिस के हैं, संभाल के कबाड़ में रख दो, कल जाने से पहले याद से दे देना। अच्छा। सवाल काटने का नहीं, सवाल है असूल। प्रताप के पास लाखों रुपए का हिसाब रहता है, मजाले एक पैसे की भी गड़बड़ हो जाए। यही तो मेरी बदकिस्मती है सर, मेरे 100-200 रुपए का हिसाब आप रोजाना लेते हैं, लेकिन प्रताप बाबू का लाखों का हिसाब आप बिल्कुल चेक नहीं करते। What do you mean? सर मैं सच कह रहा हूँ सर। Get out! Thank you सर। कोई बात नहीं माँ, 5 तारीख को सब ठीक हो जाएगा। गीता वो 1000 रुपया तो देना, बात बात में भूल गया तो फिर वापस आना पड़ेगा। मैं अभी लाती। लगता है मुझसे गलती हो गई, ने पैसे मामा जी को दे दिए, अब शायद मुझे कर्ज लेना पड़े। और आप मेरे दूध पीने की बात कर रहे हैं। तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना ही पड़ेगा गीता, चाहे मुझे अपने आप को बेचना क्यों ना पड़े। गीता क्या ढूंढ रही हो, फिर उठ, कहाँ रुपए? रुपए तो नहीं मिल रहे हैं। ये तो बुरी आदत तुम्हारी, रखती कहाँ, ढूंढती कहाँ? मैंने इन्हीं साड़ियों के नीचे तो रखे थे। तो फिर कहाँ गए? ओह माय गॉड, गीता गीता सॉरी गीता, क्या बताऊं आजकल इतनी परेशानी है आजकल। ये लो देखो, ऐसा करो बाद में रुपए ढूंढना, जब मिल गए तो ऑफिस भेज देना। गीता I'm sorry। मम्मी 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 तुम डरो मत, रुपए अभी मिल जाएंगे जब तो बड़े का लिहाज ही नहीं। एक दो तो,
बहन जी थने तो जानती हैं, आजकल ब्याज बट्टे का काम बंद कर रखा है, लेकिन प्रताप बाबू तुम्हारे पुराने जानकार हैं। तबीयत कैसी? ठीक है। पैसे मिल गए? जी हाँ। मैंने कहा था इधर उधर रख दिए होंगे तुमने। जाती हूँ। रिया, एक बात कहूँ? क्या है? देखो, ये तुम्हारे भैया का घर है। वो तो है ही। जब तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मांग लेनी चाहिए। वो तो मैंने मांगी है, बिंदिया, चूड़िया, चप्पल और घड़ी का पट्टा। आज 5 तारीख है ना, भैया लेकर ही आएंगे। लाएंगे ना? क्यों नहीं। तो जब तुम्हें 1000 रुपए की जरूरत थी तो वो भी मांग लेने चाहिए थे। तुम्हारे भैया इनकार थोड़ी करते। भाभी, तुम्हारा मतलब है भैया के 1000 रुपए मैंने चुराए? मैं चोर हूँ? ओ माँ, भाभी हमें चोर कहती है क्या? कहा? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती, पांव पड़ती। अगर तुम मुझे अपने घर में रखना नहीं चाहती तो साफ साफ कह दो, हम माँ बेटी इस घर से चले जाएंगे। मगर इस तरह जलील करके अपने बेटे के घर से तो ना निकालो। माँ जी, तुम हम लोगों की तलाशी लेना चाहती हो ना? आओ, देखो, 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 भाई को मेरे शरीर के कपड़े उतार के दिखा दियो। आज सुबह तो रुपए ट्रंक में थे, अब कहीं और छुपा दिए होंगे। गीता, तुम रुपए ऑफिस में तो दे गई थी, अब इन पे झूठा इल्जाम लगा के इन्हें घर से बाहर निकाल देना चाहती हो? ये मेरी माँ है, ये इनका अपना घर है, ये इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, यही रहेंगी, समझी? प्रिया ने कुछ चीजें मंगाई थी ना, वही लाया हूँ। चुप चुप जियो बेटा। अरे खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? ऐसा भाई तो 7 जन्म तक नहीं मिलेगा, समझी? प्रिया, कह दो बहु, आज हमें खाना नहीं खाना है। लेकिन हो जाओ, मैं सर चलाऊंगी, मैं कहती हूँ चुप चुप। आपने अभी तक खाना शुरू नहीं किया, भला खाने पर कैसा गुस्सा? इस बार मुझे माफ कर दीजिए, फिर कभी ऐसी भूल नहीं होगी। देखिए, आप नहीं खा रहे तो बच्चे भी नहीं खा रहे हैं। अरे, चूड़ियां क्या हुई? चूड़ियां बेच कर वो रुपए लाई थी ना तुम? भूल जाइए उस बात को, पहले खाना खा लीजिए। तुम कितनी महान हो गीता, माँ की इज्जत बचाने के लिए तुमने अपनी चूड़ियां बेच दी, और मैं कितना नीच हूँ, तुम्हें झूठा मानकर तुम पर हाथ उठा दिया। तो क्या हुआ, किसी घर पर तो नहीं, अपनी पत्नी पर ही तो हाथ उठाया? नहीं गीता, नहीं, आज मैं तुमसे आंख नहीं मिला सकता, तुम्हारे सामने आज मैं बहुत छोटा हो गया हूँ। चोरी उन्होंने नहीं की, अब तो यूं ही परेशान हो रहे हैं। चोरी उन्हीं लोगों ने की गीता, मैंने खुद अपनी आंखों से माँ को रुपया ट्रंक में रखते देखा। गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैं पी गया। बहुत अच्छा किया आपने। नहीं गीता, नहीं, जब गुस्सा पी जाना चाहिए था नहीं पिया, और जब नहीं पीना चाहिए था पी गया। Thank you.
लहसुन नहीं है। अरे लहसुन नहीं तो दही है, खाना। कैसे हैं बापू जी? बेटी जिंदगी का क्या भरोसा, न जाने का बुलावा आ जाए, सोचा उससे पहले तुम लोगों से एक बार मिल लूं। ऐसा ना कहिए बाबू जी। अच्छी बता, प्रताप और बच्चे कहाँ हैं? आज उनकी छुट्टी है ना, बच्चों को बाजार ले गए हैं, बस आते ही होंगे। अच्छा, और सब ठीक है ना? सब ठीक है बाबू। अरे पानी गर्म हुआ कि नहीं? कब तक बच्चे का पैर पकड़ कर बैठूंगी? हो गया माँ जी, अभी ले आती हूँ। संधन जी आई है क्या? जी हाँ, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। जागे भाग हमारे दर्शन भय तुम्हारे, आप कब आए? बस आ ही रहा हूँ संधन, आप कैसी हैं? मुझे क्या हुआ है? बेटे को देख देख के खून सुखा जा रहा है। क्या हुआ प्रताप को? होना क्या है जी, अकेला कमाने वाला और खाने वाले इतने सारे, और ऊपर से इतनी महंगाई है। ये बेचारी सारा दिन रसोई में घुसी रहती है, किस किस को संभाले। 10 बज गए हैं, अभी तक चाय नसीब नहीं हुई। कैसी बातें कर रही है माँ जी, चाय तो रोज आप इसी वक्त पीती हैं, सुबह तो आप दूध और नाश्ता करती हैं। हा 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 बहू, तुम्हारे बापू आ गए तो क्या हमें घर से निकाल दोगे? एक शेर दूध इसके लिए आता है, एक शेर दूध इसका कुत्ता पीता है, हमारे दो घूंट दूध का ढिंढोरा पीट रही है। अरे बहू, दवा घर में नहीं है तो कम से कम देसी घी ले आ, जल्दी कर। घबराने की कोई बात नहीं, अल्सर का ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, ऐसी कमजोरी की हालत में ऑपरेशन, इसके लिए इनको यहाँ हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, खर्चा कितना आएगा? ज्यादा से ज्यादा 3,000 रुपए। 3,000? ये एक दूसरा तरीका भी है, आप इन्हें गवर्नमेंट होटल में दाखिल करवा दीजिए। नहीं डॉक्टर साहब, गीता का इलाज इसी अस्पताल में होगा, आप खर्चे की फिक्र न करें, बस मुझे गांव जाने की देर है। बाबू जी, तू फिक्र क्यों करती है? अरे मेरा जो कुछ भी है तुम्हीं लोगों का तो है, तो एक बार अच्छी हो जा। मेरा क्या है, जिस दिन यमराज ने दरवाजा खटखटाया उनके पीछे पीछे चला जाऊंगा। चलो ले चलो इनको। ए, तुम लोगों ने इतने इतने बाल को बड़ा रखा है। लेकिन साहब मेरे बाल तो छोटे हैं। यू शट अप। चलो चलो उस तरफ नहीं होकर। मैं तो इनकी भाषा भी नहीं समझता। बैठो 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 नीचे। अरे चुप, लेकिन इसके बाल काटो। अरे यू मिस्टर, ओ मिस्टर, बैठ जाओ। मैं सिर्फ खड़ा हुआ था साहब, काटा काट दिया। अरे ऑफिसर साहब, अरे मेरे अच्छे प्यारे बाल, अरे अरे मेरे बाल, मेरे प्यारे बाल, मेरी प्रिया, मैं कैसे तुझको अपना मुंह दिखाऊं? देख चुका हूं मैं। ऐसा घर में नहीं है, फिर आना। अरे प्रिया, मैं हूँ। देखो तो, मैं हूँ। ये तो हमारे जमाई जी है, इसका मतलब है बुढ़िया सचमुच मर गई। बेटा
थे। माँ ने कहा था। क्या कहा माँ ने? पोता। पोता? ओ माँ। थत्ते। वो जी साहब। मैं जल्दी से पोस्ट कर दूँ। अच्छा साहब। अरे तुम यहाँ बैठे हो हाँ? और बाहर सब रिहर्सल में हमारा इंतजार कर रहे हैं। देखो चलो गेट मूविंग कम ऑन। ओहो माँ। ओ माँ क्या है री? प्रेम भैया की चीज़ है। अच्छा लेकिन भाभी की नहीं। अरे देख तो सही देवर ने भाभी को क्या लिखा है। खुद चल। अरे ये क्या? अरे ये चिट्ठी कहाँ ले जा रहे हो? प्यारी भाभी आप धन्यवाद और भाई साहब को भी धन्यवाद। अगर आप लोग मजबूर करके मुझे इस टूर पर भेजते तो ये रंग बिरंगी दुनिया कभी ना देख पाता। भाभी जी रूपा और मैंने मिलकर एक कव्वाली का प्रोग्राम तैयार किया है। मुँह पे डालो तो दिन में शाम कर दो। जुल्फे जो मुँह पे डालो तो दिन में शाम कर दो। जुल्फे जो मुँह पे डालो तो दिन में शाम कर दो। जुल्फे जो मुँह पे डालो तो दिन में शाम शाम कर दो कर दो। और बेनकाब है बेनकाब बेनकाब नकाब निकलो तो कत्ल आम कर दो। और बेनकाब निकलो तो कत्ल आम कर दो। Thank you.
हमारी मशहूर है जहां में जे मशहूर है जहां में दरिया दिली तुम्हारी दरिया दिली तुम्हारी मशहूर है जहां में दरिया दिली तुम्हारी मशहूर है जहां में सदियों से हम प्यासे प्यासे सदियों से सदियों से सदियों सदियों से हम हैं प्यासे कुछ इंतजाम कर दो और बेनकाब निकलो तो कत्ले आम कर दो अरे आप यहाँ कब से खड़े हैं? बहुत देर से। आप अपने देवर के प्रोग्राम पढ़ रही थी और हम आपकी तरफ देख रहे थे। हर चिट्ठी में बस रूपा की ही तारीफ लिखी है। बस तारीफ ही लिखता रहता है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं करता। क्या मतलब? मतलब लड़की बोर होके किसी और से शादी कर लेगी और ये मुंह देखते रह जाएंगे। शरीफ आदमी है, आपकी तरह जल्दबाजी नहीं करेगा। रही हमारी बात, आपको स्वामीनाथन ने बुलाया है। पोस्टमैन। क्या है? गीता देवी के नाम रजिस्टर लेटर है। रजिस्टर? किसने भेजा है? भेजने वाले का नाम है प्रेम कुमार। अरे ये तो मेरा पेट का जाया है। लेकिन लेटर आपको नहीं मिल सकता, इस पर गीता देवी की दस्तखत चाहिए। आहा, अरे दस्तखत तो वही करेगी, एक महीने से बीमार पड़ी है। ला, मैं लाती हूँ। जल्दी से गीता के नाम से दस्तखत कर दे। भाजी 2000 रुपए भेज रहा हूँ। 2000? देखा, ये पेट का जाया माँ को 100 रुपए तक नहीं भेजता और भाजी को 2000 भेजे हैं। डॉक्टर ओके। सर, गीता ने फिर ब्लड वॉमिट किया है। ओह गॉड, इमरजेंसी ऑपरेशन की तैयारी करो। यस सर। सिस्टर, स्वामीनाथन को बोलो गीता के हस्बैंड को फौरन इन्फॉर्म करो, इमीडिएटली। जी, ऑपरेशन? मैं अभी आता हूँ। आप जरा देरी से आओ। तुम तो ऑपरेशन करें या नहीं, लेकिन 3000 रुपया जरा जल्दी लेके आओ। जी हाँ, मैं पैसे लेकर आऊंगा। प्रताप बाबू, ज्यादा सोच विचार मत करो, तिजोरी से रुपए लेके पहले भाभी जी का ऑपरेशन करवाओ। लेकिन सेठ जी भी तो यहाँ नहीं है। अगर सेठ जी भी होते तो तुम्हें ऐसे मौके पर इनकार थोड़ी कर सकते हैं। यहाँ 100 रुपए लेके अस्पताल में भर दो, सवेरे मामा जी का जेवर गिरवी रखकर पैसा वापस तिजोरी में रख देना। भाभी की जिंदगी का सवाल है प्रताप बाबू। तुम लोग रो क्यों रहे हो? तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक है। क्या वो अच्छी हो जाएगी डैडी? बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। वो घर चलेंगी? ऑपरेशन कामयाब रहा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच सर। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। कांग्रेचुलेशन। ये तुम्हारा बिल 2880 रुपी। नया पैसा। तुम्हारा भाई को थोड़ा देर इधर रहने को पड़ेगा। अच्छा। वो फिर अच्छा हो जाएगा, तुम उसको लेके जाओ। तुम 3000 देगा तो बहुत अच्छा रहेगा हिसाब में। क्या हुआ? मेरा कवर। क्या बात है बेटा? मेरा पैसों का कवर, 3000 रुपए थे उसमें। 3000? ओ, ये तो पीतल है। क्या बात कर रहे हैं सर जी? मैं ऐसा नहीं हो सकता सर जी। मैं प्रताप बाबू, मारो तो दिन रात का धंधो है, ये बिल्कुल पीतल है। पीतल? इसका मतलब है मामा ने, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्रताप आ रहा है। मामा, मामा।
ये पड़ता नहीं, मेरी मौत है। तीन हजार लेकर टीचर के जेवर दे गया था। भगवान झूठ न बुलवाए भांजे, मैंने तुझे एक्चुअली सोने के जेवर दिए थे। सर पे खून सवार है मामा, मेरे 3000 रुपए दे दे वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैंने एक्चुअली सोने के जेवर दिए। सेठ हरिश्चंद्र की लड़की कौन है? ये है रूपा। खबरदार बोलो मत। इस लड़की के बाप से कह देना कि भैरव खाई के भवानी मंदिर में कल शाम तक 20 लाख रुपए पहुंचा दे। चलो। लेकिन इसका बाप तो यहाँ नहीं है, इसीलिए तो कल शाम कहा है। रुपया नहीं पहुंचा तो परसों सुबह इसकी लाश पहुंच जाएगी। भागने की कोशिश की तो गोलियों से सीना छलनी कर दूंगा। गिरफ्तार कर लो इन सबको। इंस्पेक्टर, सवाल सिर्फ 3000 रुपए का नहीं, सवाल है आदमी के कैरेक्टर का। जो 3000 रुपए के हेरा फेरी आज कर सकता है वो कल 3 लाख का भी कर सकता है। मैं इस मामले की तह तक पहुंचना चाहता हूं। इंस्पेक्टर साहब, आप इस मकान की तलाशी लीजिए। हवलदार, तलाशी लो। नहीं नहीं, इस पेटी को मत खोलिए। अरे ये तो गीता बहू की पेटी है, देख लीजिए ना। ले जाइए ले जाइए। मगर माँ पेटी तो अपनी है, पता है रुपए इसी में है, मिलते ही चोरी का ऐसा मामला आता। अरे भैया, पापा रुपए इसी में है, बाकी कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ रुपए इसी में है, लेकिन आप इसे नहीं छू सकते, ये सेठ जीवराज के रुपए हैं। मैं सेठ जीवराज हूँ। लेकिन प्रताप ने कंपनी के रुपए घर में क्यों रखे? ये हमको नहीं मालूम। लेन देन के रुपए होंगे, उनका पेटी में रख दो, हमने रख दिया। ये अथॉरिटी तो हमने प्रताप को दे रखी थी, लेकिन प्रताप तुमको ये रुपए दे के गायब कहाँ हो? मामा ने धोखा दिया, मछली पीतल की निकली और गुस्से में आकर मैंने उसका गला घोंट दिया, मामा मर गया। तुम दोनों बच्चों को लेकर दूर चले जाना, जहाँ उन्हें और चोर की औलाद कहने वाला कोई ना हो। मैं किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहा, इसलिए मैं
मरने जा रहा हूं। जब तुम्हें खत पड़ रही होगी तुम्हारी मांग का सिंदूर मैं चुका होगा। बेटी गीता मैं आ गया। बेटी मैं जानता हूँ तू नाराज होगी लेकिन क्या करता बेटी, जितने रुपए लेने थे वो कलकत्ते चला गया, सोचा मकान ही बेच दूं, और मकान के बेचने में लिखाई पढ़ाई करने में देर हो गई। ये देख देख मैं रुपए ले आया, बेटी मैं रुपए ले आया, तू बोलती क्यों नहीं है? माथे की बिंदिया, तेरी मांग का सिंदूर, तेरे हाथों की चूड़ियां, गीता ये क्या हो गया? अरे कैसा अनर्थ हो गया? गीता गीता आपने मुझे पानी से निकालकर मेरी जान बचाई है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बेटे, अभी तुम में कमजोरी बहुत है, कुछ दिन और आराम कर लेते तो। चाचा मेरा जाना बहुत जरूरी है, वहां सारे लोग परेशान है। तुमने प्रताप भाई के रुपए छुड़ाए, तुम्हारे कारण प्रताप भाई की मौत, तुम्हारे कारण नाना की जान गई, तुम्हारे कारण गीता भाभी ने घर छोड़ा। तुम्हारे कारण एक हरा भरा घर उजड़ गया, अब मैं तुम लोगों का मुंह भी देखा नहीं चाहता। ऐसा बोलो बेटा, तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं है, पेट का दाड़ा भी चला गया आपके साथ लेके। नहीं क्या देख रही है, स्वामी के पैर छू स्वामी के। जमाल जी हम पर दया कीजिए, जमाल जी। स्वामी अब निकला तुम्हारे मुंह से स्वामी, नहीं तो अभी तक ओ मां निकलता था। बोल मां चल के काम करेगी? करेगी। आटा पीसेगी? पीसेगी। खाना पकाएगी? पकाएगी। चुप। तू बोल खाना पकाएगी नहीं? पकाऊंगी, खाना बनाऊंगी, झाड़ू लगाऊंगी, बर्तन मांजूंगी। तो जा जाओ सामान मांगो। अच्छा जमाल जी। चलो अरे यहाँ इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। अरे रूपा वो देखो प्रेम साहब आ गए। प्रताप शर्मा और उनके बच्चे कहाँ हैं? काफी दिनों से उनका घर बंद है, ना ही उनके बाल बच्चों का पता है। सुना है प्रताप शर्मा जी मर गए हैं। तेरे पुजारी हर कदम पर तेरी जरूरत है।
कदम पर तेरी जरूरत है, हर कदम पर तेरी जरूरत है। दर्द सहती है मुस्कुराते हुए, गम उठाती है गुनगुनाते हुए, जलते जलते तू बुझ भी जाती है, रोशनी राहों की बढ़ाते हुए, तू दया की वफा की मूरत है, कदम पर तेरी जरूरत है। ये तपस्या तेरी तो कहती है, गहना तेरी शराकत है, हर कदम पर तेरी जरूरत है। याद रखती जफाओं को, बख्श देती है तू खताओं को, सर झुकाते हैं सजदे करते हैं देवता भी तेरी वफाओं को, तेरी चाहत खुदा की चाहत है, हर कदम पर तेरी जरूरत है। नारी ओ नारी, हम तेरे पुजारी, हर कदम पर तेरी जरूरत है, हर कदम पर तेरी जरूरत है। कौन हो तुम लोग? बारिश की वजह से यहाँ खड़े हैं, बारिश रुकते ही चले जाएंगे। तब तक क्या गाड़ी बारिश में खड़ी रहेगी? निकलो यहाँ से। कहाँ रहती है? चलोगी मेरे साथ? अरे आंखें क्या दिखाती है, मर्द बच्चा हूँ, चल मेरे साथ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। लो कर लो बाता मर्द के बच्चे की। अबे साले, अगर तुझ में दम होता ना तो तेरी बीवी भाग के दूसरा कसम ना करती। चल चल, बहन से माफी मांग। अबे मांग पाएगे नहीं? मुझे माफ कर दो बहन जी। फट, और अभी फट। तुम घबराओ मत बहन, मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे मौसी, ये सब आलू तो गिर गए। तुमने मुझे मौसी कहा?
आपने हमारी मम्मी को बहन कहा तो आप हमारी मौसी हुई। मेरा चिक्कू, मेरी भिंडी। नहीं, मेरा नाम अमर है, इसका नाम आशा। अरे भाजी वाली मौसी है, तुझे चिक्कू ही कहके पुकारेगी। और भिंडी, चल चल। कुछ पता चला? जी नहीं, लेकिन मुझे तलाश जारी रखनी है और इसलिए मैं गांव वापस नहीं जाना चाहता। सर साहब, आपके तो हर बड़े शहर में प्रेस है, ऑफिस है। आप मुझे एक ऐसी नौकरी दीजिए जिससे मैं जगह जगह घूमकर काम के साथ साथ अपने भाई और भाभी को तलाश भी कर सकूं। नौकरी? और तुमको कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब हो गया? सर साहब, ऐसी बात जुबान पर मत लाना। क्या बात है डैडी? ये बात इनसे पूछिए, ये हजरत हमारी नौकरी करना चाहते हैं। बरखुरदार रूपा हमारी इकलौती बेटी है और आप हमारे होने वाले दामाद हैं। हमारा रुपया, पैसा, बिजनेस, जमीन, जायदाद सब आपकी है। आपका शुक्रिया सर साहब, लेकिन जब तक मुझे मेरे भाई भाभी और उनके बच्चे नहीं मिल जाते, तब तक मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। भाई कमाल है, भाई भाभी के साथ क्या? डैडी, प्लीज। ये चिकू, ये भिंडी, चलो दूध पियो। ये लो दीदी। नहीं सतरंगी, मैं तुम पर इस तरह बोझ बनना नहीं चाहती। लो, कर लो बाता। अरे दीदी, मैं तुम्हें सर पे उठा के तो नहीं घूमने वाली जो तुम मुझ पे बोझ बन जाओगी। देखो, तुम घर संभालना और मैं बाहर संभालूंगी, और जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम दोनों को संभाल लेंगे। सतरंग, रिश्ते नाते तो मानने से होते हैं दीदी। अच्छा बताओ, पत्नी का पति से पहले कोई रिश्ता होता है क्या? तो फिर क्यों लड़की अपने माँ बाप, भाई बहन, सखी सहेली सब कुछ होकर एक अनजान आदमी के पीछे चल देती है? भाई ना मानो तो अपने भी पराए हैं और मानो तो पराए भी अपने हैं। लो सतरंगी, मैं तो तुझे सिर्फ एक भाजी बेचने वाली समझती थी, मगर तू तो पक्की जादूगरनी निकली, बातें बनाकर मन को मोह लिया। लो, कर लो बाता। ए दीदी, जब तकदीर खुलती है ना तो ढोल बजा के नहीं खुलती। देखो तो अभी थोड़ी देर पहले तक तू सतरंगी बिल्कुल अकेली थी, मर जाती तो कोई मुर्दा उठाने वाला भी नहीं था, और अब देखो सतरंगी परिवार वाली बन गई है। क्यों नहीं की अब तक? लो, कर लो बाता। अरे किससे करती, यहाँ तो जो आता है बुरी नियत से आता है, हरामी हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं आता। और फिर दीदी, अब तो तुम सब मिल गए हो, मुझे शादी करने की क्या जरूरत है? जब दम निकलेगा तो गंगा जल तुम मुंह में डाल देना, और जब दम निकल जाए तो चीकू कांधा दे देगा। सतरंगी, वचन दो दीदी, छोड़ के कभी नहीं जाओगी। आ, मेरी गई कमर। आ, अरे बेटा भीमसेन, ये घर का दरवाजा कैसे खुला है? कोई नौकर होगा, तुम ठहरो, मैं देख के आता हूँ। अरे वाह, ये इतना बड़ा घर और कितना सुंदर है। हाय हाय, हाय राम। अरे वाह, यहाँ तो बिजली का पंखा भी है। जरा पानी तो पिला दे, अभी नहीं। वाह, मर गई भगवान के घर की, तुझे तो बहन हो रहा है। अब जान नहीं जाए नहीं। मैं भूत नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। आप जिंदा है? ये तो बहुत खुशी की बात है। भगवान आपको 100 बरस की उम्र दे। अरे बेटी, चल चल अपने सास माँ के पास पहुँचो। ठीक है ठीक है। भीमसेन, ये घर है, धर्मशाला नहीं। यहाँ बेटा रह सकता है और बहू रह सकती है,
मगर ये चुड़ैल अपना ट्रंक लेके यहाँ क्यों आई? वो गरीब बेचारी दुखियारी तकदीर की मारी अभागा नारी है, घर का काम काज कर लेगी, दो रोटी खाएगी, कहीं कोने में सो जाएगी, काम करेगी कि नहीं? तो फिर उठा जा, चल उठा जल्दी, उठा उठा चल। अरे तू कहाँ जा रही? वो था मौसी, 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 मैं भी चलूं, मैं भी चलूं। तुम लोग अभी छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे ना तब ले जाऊंगी। कमाने वाली एक मौसी है और खाने वाले एक दो तीन और मम्मी चार, क्या हमें भी कुछ करना चाहिए? करना चाहिए। चलो चलो। ओ
ओहो माँ, अभी तक इतने से बर्तन भी साफ नहीं किए। अरे बेटी, कर तो रही हूँ। क्या कर रही हो? अभी ससुर जी बाहर से आएंगी तो तुम्हारी वजह से दो बातें मुझे सुननी पड़ेंगी। अभी तो कपड़े धोने हैं, खाना बनाना है। अरे बेटी, कभी तुम भी तो मदद कर दिया करो, मैं अकेली कब तक मरती रहूंगी। ए जी सुनते हो? क्या है? माँ जी काम करने को कह रही है। अरे बेटी, तू भी उन लोगों के साथ मिल गई हो? मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया। एक वो पेट का जाया और एक तू पेट की जाए। अरे यह खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? देर हो नहीं डालिंग, चलो ना। सुनो, घर का ख्याल रखना। देखा डैडी, आपकी ये फैक्ट्री भी लॉस में जा रही थी, लेकिन जब से प्रेम आया है इसने प्रॉफिट दिखाना शुरू कर दिया है। हाँ बेटी, फैक्ट्रियां तो सब प्रॉफिट में चलने लगी, लेकिन फैक्ट्री वाला अभी तक लॉस में चल रहा है। जी तुम्हारी वजह से नहीं, बैठ जाओ। इसकी वजह से? मेरी वजह से? तुम लड़की हो ना इसलिए। क्या मतलब डैडी? सीधी बात है बेटी, लड़के का मतलब है प्रॉफिट और लड़की का मतलब है लॉस। देखो, लड़का पैदा होता है, बड़ा होता है, घर बहू लेकर आता है, बच्चे पैदा होते हैं, सारा घर भर जाता है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। लड़की पैदा हुई, बड़ी हुई, शादी की और चली गई, टोटल लॉस। प्रेम के आने से उम्मीद बंधी थी, सोचा था इसे अपनाकर लड़की के लॉस को प्रॉफिट में बदलूंगा, लेकिन ये उम्मीद भी पूरी नहीं हुई। ओह डैडी, आप तो हमेशा अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। बेटी तुम महान हो, और जिसे मैं चुना है वो भी महान है। आज की इस मतलबी दुनिया में कौन ऐसा नौजवान होगा जो अपने भाई और भाभी के लिए सारा जीवन बर्बाद कर दे, और कौन ऐसी लड़की होगी जो अपनी पसंद के लड़के के लिए सारी जिंदगी इंतजार में गुजारने के लिए तैयार हो। प्लीज डैडी। लेकिन मैं तुम दोनों के मुकाबले में बहुत छोटा आदमी हूँ, छोटा सा दिल, छोटे विचार। मैं हमेशा अपने ही बारे में सोचता रहता हूँ, अपने होने वाले दामाद के बारे में सोचता रहता हूँ, अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचता रहता हूँ। क्या करूं, बाप हूं ना, बाप हूं। डैडी, डैडी, ताजी ताजी ले लो भाजी, आलू टमाटर मटर।
भीमसेन, अरे भीमसेन कहाँ है? वो लोग घूमने गए हैं। माँ, तुम? देखो प्रेम, तुम आ गए। अच्छा हो गया, मुझे इस नाक से निकालो, नहीं तो ये सब मेरी जान ले लेंगे। सुनो, मुझे अपने साथ गांव ले चलो। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती, मैं एक पल भी नहीं रहना चाहती। माँ, तुम कहीं भी रहो, जब तक भाभी नहीं मिल जाती और तुम भाभी के पांव छूकर माफी नहीं मांगती, तब तक तुम्हारे पापों का प्रायश्चित नहीं हो सकता। क्या कहा? मैं अपनी बहू के पांव पड़ूंगी? वो तुम्हारे नसीब में कहा है माँ। भाभी जैसी महान नारी के पांव छूने के लिए बहुत बड़ा नसीब चाहिए। बेटा सुनो तो। माफ कीजिएगा, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। गाड़ी में बैठ के न जाने अपने आप को क्या समझने लगते हैं। आप अमीर होंगे तो अपने घर के, क्या हम गरीब रास्ते पे भी नहीं चलते? मौसी तू चुप कर। मौसी, इतने बड़े आदमी गाड़ी रोककर तुमसे माफी मांग रहे हैं, अब तो चुप हो जा। सॉरी सर, शी इज गुड एट हार्ट बट हैज नो कंट्रोल ओवर हर टंग। अरे तुम तो अंग्रेजी भी बोलते हो। हम दोनों सुबह मौसी के साथ भाजी बेचते हैं और रात को नाइट स्कूल में पढ़ने जाते हैं। वेरी गुड। नौकरी करोगे? करेगा क्यों नहीं, जरूर करेगा, लेकिन 20-30 की नहीं, पूरे 100 रुपए लेगा। हाँ, हम 150 देंगे। 150? चलो। मम्मी मम्मी मम्मी, भैया को नौकरी मिल गई। अच्छा, अरे कैसे नहीं मिलती, चिकू ने भी वो अंग्रेजी मारी के साफ के बोलती ही बंद हो गई। मौसी ने तो 100 कहा था, लेकिन साहब 150 देने के लिए राजी हो गए। मम्मी, अरे तुझे नौकरी मिल गई? हाँ मम्मी, मुझे बहुत बड़ी फैक्ट्री में नौकरी मिल गई और मैनेजर साहब भी बहुत अच्छे आदमी है। अरे हाँ मौसी, वो अपने बॉस का ड्राइवर है शंकर, उसने तुम्हें पैकेट दिया है। चलो तो क्या भेजा है? ये क्या चप्पल? ये तो मेरी है। हाँ मौसी, वो सुबह गुस्सा होकर तुमने उस पर फेंकी थी ना, उसने संभाल कर रखी और आज ही वापिस कर दी। नाम चिकू रहा। चिकू जी, अंगूर क्यों नहीं? अंगूर खट्टे भी होते सर, लेकिन चिकू कभी खट्टा नहीं होता। ये लो। नहीं सर। लो 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 लो। नहीं सर, मैं भीख नहीं लेता। अरे भीख नहीं है, बख्शीश है। दोनों का मतलब एक ही है सर। ओ, राइट राइट, ईमानदार मालूम हो तो, वेरी गुड। ए, सतरंगी का चप्पल वापस कर दी? हाँ। तब तो हमारे लिए कुछ कहा होगा। राजा अपना काम कर। अरे काम तो हम रोज ही करते हैं। राम राम भांजे। अरे मामा जी, आप यहाँ? हाँ, आजकल मैं यही काम करता हूँ। भांजे, भगवान झूठ न बुलवाए, प्रताप बाबू का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। बुरी बात मुसलमान निकालिए, भाई साहब जिंदा है। जिंदा है? कहाँ है? ये नहीं मालूम, लेकिन जिंदा जरूर है। रेलवे ट्रैक पर उनके कुत्ते जेम्स बॉन्ड की लाश मिली, भाई साहब की नहीं। ऐसा लगता है कुत्ते ने अपनी जान पे खेलकर भैंस को बचा लिया। अब तो जिंदगी का एक ही मकसद है मामा जी, अपने भाई भाभी और उनके बच्चों की तलाश करना। भगवान झूठ न बुलवाए भांजे, बहू और बच्चों को मैंने भी बहुत तलाश किया। 6 महीने तक आसपास के 36 गांव के चक्कर लगाए, मगर उनका कहीं पता नहीं चला। अपनी जेब से पैसा खर्च करके। अरे भांजे, क्या हुआ? खीसा साहब भांजे, 7 दिन की छुट्टी लेकर गांव जा रहा था भांजे, पूरे महीने भर की तनख्वाह जेब में थी, पूरी की पूरी साफ हो गई। अब तो 10-20 भी बाकी नहीं रहे। उसकी चिंता मत करो मामा जी, 50 रुपया चलेगा। चलेगा क्या भांजे, दौड़ेगा।
साहब, ये आदमी पक्का 420 है। क्या? सोने की जगह पीतल के जेवर रखकर लोगों को लूटता रहता है। सारी का बच्चा, अब तेरी असलियत मेरे सामने आ गई। सेठ नटवर ने मुझे सब कुछ बता दिया था। तूने भाई साहब को पीतल का नकली जबर दिया था। पाँव पड़ता हूँ। मेरी बर्बादी का कारण तू है। पाँव पड़ता हूँ। माफ कर दे मुझे। मत मार, हट। भैया आज मम्मी खीर बना रही है। खीर? इसका मतलब आज डैडी का जन्मदिन है। लेकिन अब डैडी तो इस दुनिया में। ए चिकू, क्यों ऐसी बात मुझसे निकालता है? हो सकता है वो जिंदा हो। इतनी अच्छी तकदीर नहीं है मेरी सतरंगी। लो कर लो बात। अरे सतरंगी के 32 दांत है, जो मुंह से निकल जाए पत्थर की लकीर समझो। हाँ दो ना, मैं भी भिखारियों को दूंगी। ये लो। क्या बात है? आज भाई साहब का जन्मदिन है ना। कमाल है, भाई का जन्मदिन और सिर्फ एक डिब्बा पेड़ों का। अरे आज तो सारी फैक्ट्री में मिठाई बांटनी चाहिए। शंकर, अरे ओ शंकर। शंकर नहीं है सर। अरे कोई बात नहीं, तू तो है ना। ये लो 500 रुपए और बाजार से मिठाई लेकर आ, मजदूर कर रहे ना। यस सर। अरे सुन 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 सुन, रुपया लेकर भाग तो नहीं जाएगा? भाग जाऊंगा 500 लेकर, वापस आऊंगा मिठाई लेकर। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत दिन हो गए कोई शिकार आती लगा। पाकेट मार के बांटते हैं ना इधर पैसे। नहीं नहीं, ये पैसे सेठ जी के, मैंने दूंगा। छोड़ दो। पूरे 500। पागल लगता है, ले हमारे पैसे। शंकर को साथ ले जाओ और फैक्ट्री के वर्करों में बांट दो। यस सर। जाओ शंकर। गुड। जीते रहो बेटा। ये काहे की मिठाई बांट रहे हो चिकू? अरे अपने मैनेजर साहब है ना, उनके बड़े भाई का जन्मदिन है, खाओ खाओ। अच्छा अच्छा। अरे पापा आ गए। पापा आओ बैठो। आज हमारे मैनेजर साहब है ना, उनके बड़े भाई का जन्मदिन है, ये लो मिठाई खा। और बाबा आज हमारे पिताजी का भी जन्मदिन है, माने खीर बनाई है, मैं आपके आता हूँ। अरे खाई मत करा, हम सबको लड्डू बांटते हैं भाई।
अरे तो हर मुंह में तो है, हाथ में भी चाहिए। ले भाई। लो बाबा लो, लो बाबा, बाबा क्या हुआ? बाबा देखो क्या है भाई, तुम्हें गणपति के त्योहार पर गाना पड़ेगा। गाना? तो इसमें घबराने की क्या बात है, मैं तुम दोनों को वही गाना सिखाती हूँ जो हम हमेशा गाया करते थे। जब अर्जुन के मन में अशांति हुई, आगे बोलो ना दीदी, तो भगवान श्री कृष्ण ने, तुम बैठो मैं देखती हूँ। अरे आती हूँ बाबा, सबर तो करो। अरे ये कौन है? बाबा है, गाड़ी के नीचे जान देने वाले थे कि हमने उन्हें बचा लिया। अभी देख के आई हूँ, जरा सहारा दो ना, बड़ी मुश्किल से बचाया। लो कर लो बात। अरे बचाया वो तो अच्छा किया, मगर यहाँ क्यों नहीं आया? कौन है सतरंगी? मुझे क्या मालूम कौन है दीदी, चीकू कहता है बाबा है तो बाबा होंगे, लेकिन हालत बहुत खराब है, बदन आग की तरह तप रहा है। लो कर लो बाता। अरे भाई तुम क्यों चली आई? ये बच्चे कहीं से अगर किसी बीमार को उठा लाए तो क्या सारा घर रात भर जगा करेगा? तुम जो आराम करो, मैं देखती हूँ। अरे ओ चीकू तू ध्यान रखना, मैं डॉक्टर को बुला लाती हूँ। कौन है बेटा? मालूम नहीं।
आज पूजा में आयशा गाते गाते गीत के बोल भूल गई तो बाबा ने याद दिला दिया और फिर साथ साथ गाने लगे और गाड़ी के नीचे जान देने के लिए भागे। हमने उन्हें बचा लिया और फिर कुछ का कुछ बोलने लगे। क्या बोलने लगे? मैंने खून किया है, मैं खूनी हूँ, मैंने मैंने सबको धोखा दिया। मुझे बचाने में कुत्ता मर गया। मैं मर जाता तो अच्छा होता। मैं कायर हूँ, बुजदिल हूँ। यहाँ के ब्रेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर मेहता दिखाना चाहिए वरना इनकी जान को खतरा भी हो सकता है। मम्मी, मैं डॉक्टर मेहता को जानता हूँ। अच्छा? एक बार बड़े मालिक के लिए मैं उनके पास दवा लेने गया था। अच्छा, तो चल मेरे साथ। चलो सतरंगी, मैं हूँ दीदी। अरे देखा इन लोग की, मैं बोला ना डॉक्टर साहब नहीं मिलेंगे, जाओ। मगर मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है। अरे मैं क्या करेगा, डॉक्टर साहब किधर भी जाता है ना रात को तो पूरा 300 रुपया लेता है। हाँ, और 10 रुपया मेरा जगाने का। 310? 310? हाँ हाँ, पूरा 310। खिसे में पैसा नहीं है और चले आते आधी रात को डॉक्टर साहब को जगाने के लिए, धर्मशाला समझ रखा है। चलो चलो चलो। मम्मी मेरे साथ आओ, हमारे मैनेजर साहब बहुत अच्छे आदमी, वो कभी इनकार नहीं करेंगे। मैंने साहब का ठेका ले रखा है, ले भाई ले। अरे चीकू तू, आप ये मेरी माँ है और मम्मी ये है सेठ जी, इस घर के मालिक। नमस्ते। नमस्ते मम्मी, मैं अभी मैनेजर साहब को मिलके आता हूँ। क्या बात है सेठ जी? चीकू के पिता बहुत बीमार है और डॉक्टर 300 रुपए लिए बगैर चलने को तैयार नहीं। तो 300 दे दो। मेरे पास 300 रुपए होते तो मैं यहाँ क्यों आती? वाह 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 वाह, पति तुम्हारा बीमार है और 300 रुपया मैं भरूं? क्यों भरूं? किसी का पति बीमार है, किसी का भाई बीमार है, किसी का बेटा बीमार है, मैं किस किस के लिए रुपए भरूंगा? अरे ये नोटों की तरफ क्या देख रही है? ये तो मैंने शंकर के लिए निकाले हैं, उसी को दूंगा, समझे? इनकी हालत बहुत खराब है सेठ जी, अगर डॉक्टर मेहता वक्त पर नहीं पहुंचे तो किसी के घर कुछ भी हो सकता है। जीना मरना सब ऊपर वाले के हाथ में है, डॉक्टर वाक्टर से कुछ नहीं होता। जिसको जीना होता है जी जाता है, जिसको मरना होता है मर जाता है, समझी? अगर तुम्हारे पति जिंदगी बाकी है तो फिर डॉक्टर पहुंचे या ना पहुंचे वो बच जाएगा, और अगर तुम्हारे पति की जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं तो फिर डॉक्टर के पहुंचने पर भी वो मर जाएगा। आज 5 बरस के बाद यह भगन सुहागन बनी है, इस मांग में सिंदूर भरा गया है। इस सिंदूर को फिर से पहुँच देना चाहते है? ऐसा नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा। मेरे अमर और आशा फिर से आना नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। क्या होगा मम्मी, चल जल्दी चल। बाहर जाना है, स्टेथोस्कोप ले आ। डॉक्टर साहब ये रहे आपके 300 रुपए और 10 रुपए आपके नौकर की फीस, मैं बाद में दूंगी, इस वक्त है नहीं मेरे पास। नौकर की फीस? जी हाँ, इसी शर्त पे तो इसने जगाया है आपको। क्यों रे पांडव? नहीं नहीं साहब, ये झूठ बोलती है, मैं आपला साथी काई नामा कितला कुछ नहीं। मुझे अफसोस है, इस वक्त मैं एक बहुत सीरियस केस देखने जा रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ, इसने आपके लिए 300 रुपए मांगे थे, मैं 300 रुपए ले आई हूँ। फीस का सवाल नहीं, एक बहुत बड़े आदमी की जिंदगी का सवाल। और उस बहुत बड़े आदमी से आपको बहुत सारा रुपया भी मिलेगा, लेकिन
लेकिन मैं पहले आपके पास आई हूँ, ये मेरे सुहाग का सवाल है डॉक्टर साहब, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। अरे अरे, ये क्या दादागिरी कर रही है? पांडव, अच्छी बात है, पहले मैं आपके पति को देखूंगा, चलिए। शुक्रिया। माफ करना बहन, गलती मेरी थी, अगर मेरे यहाँ पहुँचने में जरा सी और देर हो जाती तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता था। लेकिन अब तो कोई खतरा नहीं ना? ये कहना बहुत मुश्किल है, इस वक्त रात के 11 बजे हैं, सुबह 6 बजे तक इन्हें होश आ जानी चाहिए, वरना। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सिर्फ दवा दे सकता है बहन, शफा वो देता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कोई बात नहीं बहन, नहीं नहीं, आप आराम कीजिए, आपको आराम की जरूरत है। कल रात को जिन सेठ जी के यहाँ से टेलीफोन आया था, उनकी हालत भी खराब थी, सुना है कि उनके मैनेजर ने उनका खून करने की कोशिश की। मैनेजर ने? हाँ, सेठ हरिश्चंद्र जी का मैनेजर। आदमी कितना बदल जाता है, एक बार इसी मैनेजर ने सेठ जी की लड़की की जान डाकू के चुंगल से बचाने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी। क्या नाम है मैनेजर का? नाम शायद शर्मा, हाँ, प्रेम कुमार शर्मा। भाई, ये पेपर रोड उठाकर मैंने सेठ जी के सर पे मारा था। इंस्पेक्टर साहब, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये डैडी को अपने पिता समान मानते थे, उनकी इतनी इज्जत करते थे, जरा पूछिए बिना वजह पेपर वेट उठा के इन्होंने डैडी के सर पे क्यों मारा? इसका जवाब मैं अदालत में दूंगा। तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं है, तुम अब भी झूठ बोल रहे हो और अदालत में भी झूठ बोलोगे। गर्म पानी लाने जल्दी। सॉरी मैडम। देखो प्रेम, अगर डैडी को कुछ हो गया ना तो ये झूठ बहुत महंगा पड़ेगा। मैडम ठीक कहती हूँ, अगर तुम किसी को शील्ड करने की कोशिश कर रहे हो तो साफ साफ बता दो। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इनके अलावा और भी कोई आदमी है जो रात को सेठ साहब से मिला हो? जी साहब, हम मिले रहे। गाँव में हमारे दादा की तबीयत बहुत खराब रही, उकर इलाज के वास्ते हम सेठ जी से 300 रुपए मांगे के आए रहे। सेठ जी ने हमको वो फिटकार दी कि जैसे हम आए थे वैसे ही हम चले गए। तुम्हें यहाँ से जाते वक्त कोई मिला था? हाँ साहब, मिलीन रहा, एक तो जनानी रही और उकर साथ एक छोकरा रहा, मेरे दरवाजे के पास मिल रहा साहब, अंधेरा बहुत घूप रहा, जाने कौन हो। वो औरत कौन हो सकती? वो औरत मैं थी इंस्पेक्टर साहब।
ये बात मुझसे हुआ है। मेरे पति की तबीयत बहुत खराब थी, डॉक्टर मेहता 300 रुपए मांग रहे थे। मैंने सेठ जी से रुपए मांगे तो उन्होंने इनकार कर दिया। मैंने गुस्से में आकर उनके साथ झूठ है। इंस्पेक्टर साहब, भाभी मुझे बचाने के लिए मेरा जुर्म अपने साथ ले रही है। बात उल्टी है इंस्पेक्टर साहब, मेरे देवर मुझे बचाने के लिए मेरा जुर्म अपने सर ले रहे हैं। सेठ जी के हाथ 300 रुपए थे जो उन्होंने शंकर को देने के लिए निकाले थे। मैंने वो 300 रुपए लेकर डॉक्टर मेहता को दे। भाभी जी आप झूठ क्यों बोल रही हैं? चाचा जी। भैया भाभी को रोक लो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। कोई अनर्थ नहीं होगा प्रेम, सब ठीक हो जाएगा। आज बिछड़े हुए मिले हैं तो सेठ जी का भी बाल बांका नहीं होगा। अगर भगवान ने चाहा तो उन्हें भी होश आ जाए। हमें होश आ गया। इंस्पेक्टर साहब, इस केस में ना तो ये लड़का मुजरिम है और ना ही इसकी भाभी। डॉक्टर साहब, अगर आप दोनों को मुअज्जज मेहमानों की तरह रहना है यहाँ तो तशरीफ रखिए, चाय पानी पीजिए, और अगर आपको डॉक्टर या पुलिस इंस्पेक्टर की हैसियत से रहना है तो फिर मैं माफी चाहता हूँ। समझ गए ना आप? समझ गए। अरे सतरंगी, तू कहाँ जा रही है? तूने तो कहा था दीदी मुझे छोड़ के ना जाना। मैं तो नहीं जा रही, लेकिन तुझे विदा जरूर करूंगी। विदा? शंकर के साथ। ये? तब तो टक्कर बराबर की होगी, हम लड़की वाले ही नहीं लड़के वाले भी हैं। फूल और एक मोती से गुथे न कोई हार। हमें बनाया ईश्वर ने एक दूधे का सिंगार। जो से शुरू हुआ शुरू हुआ शुरू हुआ संसार।